session. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are resuming our session. In the previous session, we were discussing about the working hours and the overtime calculation, etc., etc. Now we will discuss here the remaining portion and or the related things related to the concerned topic. अच्छा, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर आपके सामने एक और चीज नजर आ रही है, इंटरवल फॉर रेस्ट और स्प्रेड ओवर. अब आप इन चीजों को एक और एस्पेक्ट से देखें. जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के हवाले से आप लोग देख लें कि इंटरवल फॉर रेस्ट कितना होना चाहिए. अब देखें, जहन में आप ये रखें कि वर्कर आपके पास आ रहा है तो आप उसे कितना काम करा सकते हैं. वर्कर क्लास बिल्कुल अलग होती है. वर्कर क्लास को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मतलब चाय, सिगरेट, ये वाली चीजें. फैक्ट्री एरिया में आप सिगरेट तो अलाउ करोगे नहीं, करने नहीं चाहिए. चाय दे सकते हैं, खाना, 250 से ज्यादा वर्कर है, आप खाने की जगह देंगे. खाना प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी नहीं कि खाने खाने की जगह तो देंगे ना आप. तो ये ब्रेक्स भी आपको देने हैं, खाने की ये टाइम देना है. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम है, वर्किंग टाइम पर सब पक्के मुसलमान बन जाते हैं. अगर आपने नमाज का ब्रेक आगे पीछे कर दिया ना, आप पे बहुत सारे फतवे लग जाएंगे. आपको शेड्यूलिंग के टाइम पे वो ब्रेक भी बहुत केयरफुली कंसिडर करना है. दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि आपके वर्किंग आवर्स का लॉस ना हो. तो शेड्यूल करते हुए इन चीज़ों को, खास अब 58, अच्छा और ये दोबारा 58 लिखा हुआ है, ज़बरदस्त. एक मतलब आती जा रही है टाइपिंग मिस्टेक्स हैं. मैं इसको, ये मैंने सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है भाई. यहाँ भी 58 है, यहाँ पर 58 है. खैर, अच्छा, तो शेड्यूल करते हुए हमें थोड़ा सा इन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा. अभी देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आप जब एडल्ट वर्कर से काम करा रहे हैं तो आप अगर 6 घंटे से ज़्यादा, 6 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कराएंगे, 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे. और अगर 6 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली आपने, कंटिन्यूस वर्क की बात हो रही, कंटिन्यूस अगर आप काम करा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा. इसी तरीके से यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर आपका जो वर्किंग आवर्स हैं 5 आवर्स से एक्सीड कर रहे हैं, 5 आवर्स से एक्सीड कर रहे हैं, तो 5 आवर्स से एक्सीड करने के हवाले से आधे घंटे का ब्रेक देना. ठीक. और अगर 8 घंटे से ज़्यादा से काम कराना है, 8 घंटे से ज़्यादा, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा. और फॉर मोर देन 8 आवर्स बिफोर ही हैज हैड एटलीस्ट टू सच इंटरवल्स फॉर ऑफ वॉट, टू सच इंटरवल्स, इधर की बात हो रही है, हाफ एन आवर के इंटरवल की बात हो रही है. तो इधर तीन चीज़ें आपके पास आई हैं इंटरवल फॉर रेस्ट के हवाले से. या तो आप 6 घंटे मुसलसल काम कराएं तो आपको 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा. ठीक. दूसरा, अगर आप उससे काम करा रहे हैं 5 घंटे मुसलसल, 5 घंटे काम करा रहे हैं, तो आपको देने पड़ेंगे, आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा. या अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा उससे काम करा रहे हैं, 8 घंटे से ज़्यादा काम करा रहे हैं, तो फिर आपको आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक देने पड़ेंगे. ठीक है, अच्छा. अब इसी तरीके से सेशन के शुरू में, पहले सेशन के शुरू में आप लोगों से मैंने एक सवाल किया था कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने होते हैं. तो जवाब जो आया था वो 9 to 5 आया था, और मैं 9 to 5 को ही लेकर चल रहा हूँ. 9 to 5 की जो टाइमिंग्स होती हैं वो कितनी होती हैं, ड्यूरेशन कितना बनता है? मैं खाले, मुझे सही आवाज़ से मुझे अंदाजा नहीं होता किसने सवाल पूछा था. ये 9 आवर्स. ठीक है, सवाल शायद मनाइल ने पूछा था या मशहूर ने जवाब दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. 9 to 5 अगर हम जाते हैं ना, 9 to 5 में ये 8 घंटे बनते हैं. 8 to 4 जाते हैं तो भी 8 घंटे बनते हैं. ये 8 घंटे का क्या सिलसिला है, 8 घंटे वर्किंग आवर्स क्यों करते हैं, 9 घंटे मैक्सिमम अलाउ है, 9 घंटे आप क्यों काम नहीं कराते? ठीक है, एक सवाल उठता जहन में अभी, तो चूंकि हम मुसलसल बोलते जा रहे हैं ना, तो शायद अभी नहीं उठा सवाल, अब सवाल उठ रहा है, अभी सवाल मैं उठा रहा हूँ कि 9 घंटे हम कहीं पर भी काम क्यों नहीं कराते? 8 बजे से लेकर 5 बजे तक के जो वर्किंग आवर्स होते हैं तो उसमें आपको आधे घंटे के 2 ब्रेक देने पड़ेंगे अगर आप 9 घंटे काम करा रहे हो. मतलब 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप कहीं पर भी काम करा रहे हो, 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करा रहे हो, तो आपको आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक देने पड़ेंगे. ठीक. और उससे पहले कंटिन्यूस वर्क की बात हो रही है, तो शेड्यूल कुछ ऐसा बनेगा कि आप 9 to 5 उससे काम कराओ, 8 to 4 काम कराओ, छुट्टी दे दो, वरना आपको ब्रेक देना पड़ेगा. या यूँ कर लो कि 8 to 5 आपने, या 8 to 5 आपने काम कराया है, तो फिर आपको 2 इस तरीके के इंटरवल्स देने पड़ेंगे. अब 2 इंटरवल्स लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, एक हो जाता है लंच, एक हो गया लंच, और चाय के 2 ब्रेक दे दो 15-15 मिनट के.
इस तरह आपने 9 घंटे भी काम करा लिया और आपने ब्रेक भी दे दिए, उसे चाय भी पिला दी, और चाय का ब्रेक आप ऐसा रखोगे 15 मिनट का, कैंटीन आप रख दो दूर, कैंटीन दूर रख दो, कैंटीन दूर रखोगे तो उसमें होगा क्या है कि उसके 15 मिनट सिर्फ आने और जाने में खर्च हो जाएंगे, आने और जाने में खर्च हो जाएंगे। तो कुछ अरसे के बाद जो एक्सपीरियंस वर्कर होता है वही समझता है मैं सिर्फ आऊंगा और जाऊंगा, इससे बेहतर मैं यहीं पे काम कंटिन्यू करना शुरू कर दें। आपने पेपर पे ब्रेक भी दे दिया, बात भी खत्म हो गई। हाँ, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो जाएंगे भाई, वो जाएंगे बिल्डिंग से बाहर जाएंगे, जो भी है फैक्ट्री के अंदर सिगरेट वगैरह का सिलसिला नहीं होगा, वो सिगरेट विगरेट पी कर आ जाए। इसी तरीके से जब ये 6 आवर्स हो रहा ना, 6 आवर्स 1 घंटे का आपको ब्रेक देना है, फिर आप एक हफ्ते में एक दिन आता है फ्राइडे, जुम्मा, जुम्मा नमाज लंबी होती है, खुतबा सुनना होता है, फिर आपको नमाज पढ़नी होती है, फिर आप खाना भी खा रहे होते हैं, तो उधर आइडियली बड़ा ब्रेक होता है। कितना ब्रेक होगा? ज्यादा ब्रेक होगा ना। अब आप फिर ये देखेंगे जितनी फैक्ट्री एरियाज में जो मस्जिद होती हैं वहां पर जो जुम्मे की नमाज की टाइमिंग्स हैं वो यहाँ तो अर्ली होंगी, आमतौर पर 1:15 बजे नमाज हो जाती है, और फिर ब्रेक अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है, कहीं पर 12:30 बजे ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद अब ये होता है ना कि जुम्मा है तो एहतमाम भी करना है, ब्रेक आपको ज्यादा देना पड़ेगा वरना वर्कर्स हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपको 1 घंटा या 1.5 घंटे का ब्रेक देना है फ्राइडे, तो फिर आप उसे 6 घंटे काम कराते हैं फ्राइडे। फ्राइडे आमतौर पर होता है जल्दी बुला लो या विदाउट एनी ब्रेक काम कराओ उसे, 1 बजे तक काम करा ले, 12:30 बजे तक सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप काम करा दिया, 1 घंटे का ब्रेक देना ही देना है, आपने 1 घंटे का ब्रेक दे दिया। फ्राइडे के अलावा नॉर्मल दिनों में आप जो ब्रेक दे रहे हो, 1.5 घंटे का ब्रेक नहीं दे रहे हो, 45 मिनट का शायद ब्रेक दे रहे हो, वहां पर आप 5 घंटे काम करो, बाय लॉ आप आधे घंटे का ब्रेक दोगे, तो बाकी दिनों में आप खाने का और नमाज का कंबाइंड करके ब्रेक देते तो 40 मिनट का। क्योंकि देखें आमतौर पर एक नॉर्मल बंदा कितनी देर में खाना खा लेता है, एक रफ आप लोग के जहन में क्या, आप लोग कितनी देर में खाना खा लेते हैं ऑन एवरेज, जब खाना तैयार हो, खुद ना बर्तन धोने हैं ना प्लेट में, बस से प्लेट में निकालना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे बहुत, अगर बहुत देर तक खा रहे हो, ऐसे ही होगा ना, 10 to 15 minutes, मतलब 5 से 10 मिनट, बिल्कुल मैक्सिमम अगर बात कर लेना 10 to 15 minutes, 10 to 15, जिसमें आपको प्लेट्स नहीं धोनी है, ठीक है, ऐसे छोड़ के जानी है घर में, तो फिर वो उसका ही माजा रखते, फिर बात कहीं कहीं चली आती है। नमाज हम पढ़ते हैं जोर की नमाज, ठीक है, 12 रक, अब जब फैक्ट्री में जाते हैं ना भाई, मैं वही कर ना, सब पक्के मुसलमान बनते हैं सब, घर में बेशक वो नफिल नहीं पढ़ा होगा लेकिन वहां पर वो नफिल ही पढ़ेगा, वो तो कजा उमरी नहीं पढ़ता वर्कर, उसका एहसान है भाई, वरना वो कजा उमरी पढ़ने के लिए खड़ा होगा तो आप हटा के दिखा दें उसे, नौकरी से निकाल देंगे आप उसे, नमाज से नहीं रोक सकेंगे ये नवाफिल से। नमाज आप लोग इसी तरीके से आप पढ़ लें, रफली पूरी नमाज भी आप पढ़ते हैं जोहर की, वही 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लॉजिकली जो ब्रेक बनता है, मूवमेंट इस्तेमाल कर लें आप इसमें, वॉशरूम जा रहे हैं, वजू कर रहा है, खाने से पहले आप बाद में हाथ धो रहे, आधा घंटा सफिशिएंट है। तो उसमें फिर आधे घंटे का आपको ब्रेक देना ही देना है, तो उससे पहले आप 5 घंटे वर्किंग करा लो। इसीलिए फिर अगर आप 8 बजे शुरू करते हो वर्किंग कराना, तो आइडियली आपका 12:30 बजे या 1 बजे आप लॉजिकल ब्रेक दे देते हैं, ठीक। इसीलिए 9 बजे फैक्ट्रीज वर्किंग स्टार्ट नहीं करती, एक और रीजन ना, आप ये समझ, क्योंकि 9 बजे का वर्किंग स्टार्ट करेंगी तो फिर 2 बजे ब्रेक दोगे तो उसके बाद तो फिर वो 4-5 बजे तक छुट्टी कर रहे हो या 6 बजे छुट्टी कर रहे हो, सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आमतौर पर फैक्ट्रीज की टाइमिंग 8:30, 8 इस तरीके की टाइमिंग होती है, 5 घंटे गुजरने के बाद एक ब्रेक दे दो। और जहां पर आप 8 घंटे से ज्यादा 9 घंटे की ब्रेक करा रहे हो, तो फिर वहां पर आपको ऐसे 2 इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, आधे घंटे का आपने लंच दे दिया, 15 मिनट के चाय का ब्रेक दे दो, 15 मिनट के चाय की ब्रेक और देनी है और दे दें, इस तरीके से आप टाइमिंग कवर करना है, ये बाय लॉ है। इसे फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप प्रैक्टिस में फिर आपका ये होता है कि पेपर पे तो यही लिखा हुआ है, आप इसे कैसे हैंडल कर रहे हो, वर्किंग आपकी कम से कम डिस्टर्ब हो वो किस तरीके से करोगे, वो फिर आपके ऊपर है। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें कंटिन्यूसली चलना होता है, अब जैसे ब्लिस्टर मशीन है, ब्लिस्टर मशीन को आप ऑफ करके गए, हीटर उसका आप, हीटर खासतौर पर आपने ऑफ कर दिया, अब जब वापस आओगे उसके दोबारा हीटिंग आने में, प्रॉपर पॉकेट्स बनने में, सेटिंग तो हुई भी होगी ना, दोबारा पॉकेट्स बनने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 8-10 मिनट जाया होंगे। तो उस टाइम पर जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं ब्लिस्टर ऑपरेटर का कुछ अल्टरनेट कर देते हैं, ब्लिस्टर ऑपरेटर खुद नहीं जाता क्योंकि फिर उसी को मुसीबत होगी कि यार पॉकेट नहीं आ रहे, इसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा इसे या ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, उसे घर जाना है, जो भी सिलसिला। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हमें शेड्यूलिंग में चीज़ों का ख्याल रखना है, या यूं कह लें कि ब्रेक कितना बनना है, बाय लॉ प्रोविजन कितना है।
अब इसको आप दोनों तरफ से देखें, आप वर्कर के तौर पर भी देखें, क्योंकि ये जो फैक्ट्री लॉ है इसमें हर एक शख्स सिवाय उसके जिसके पास हायरिंग और फायरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वर्कर ही शुमार हो रहा है, आप भी वर्कर की कैटेगरी में शुमार होंगे, ठीक, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं आप भी थोड़ा सा पार्ट ले रहे हैं, क्यूसी में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर आप एम्प्लॉयर कहलाओगे, लेकिन प्रोडक्शन में हो तो अब इसमें आप वर्कर की कैटेगरी में ही जाओगे, मतलब यही वाले आपके बेनिफिट्स होंगे जो यहाँ पर है। लेकिन व्हाइट कोट आप पहनते हैं तो हम अपने आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी में लेकर जाते हैं, थोड़े वहाँ के बेनिफिट्स अलग हैं, वर्कर के बेनिफिट्स अलग होते हैं। अच्छा, एक और टर्म आती है स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर क्या है, अगर आप में से कोई जरा इसको एक ब्रीफ समरी इसकी बता सके, व्हाट इज स्प्रेड ओवर? एक स्प्रेड ओवर है और एक वर्किंग आवर्स है। मेरी आवाज शायद देर से पहुंच रही है, लेकिन जितनी भी देर से पहुंचे, स्प्रेड ओवर की समरी अगर आप बता दें तो काफी अच्छा हो जाएगा। सर शायद ये सीजनल के हवाले, सीजन के हवाले से के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो है वो स्प्रेड ओवर मोर देन 10 और हाफ ईयर से ज्यादा ना हो, सो ज्यादा समझ नहीं आई। ठीक है, सही है। कोई और ओपिनियन? जो सीजन फैक्ट्रीज होंगी वहां पर 10 घंटे, साढ़े 10 घंटे से ज्यादा जो है, या 11 घंटे ज्यादा काम जो है वो ना करवाया जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जो बात मशहूद ने कही है, मैं इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से मैं कह रहा हूँ। स्प्रेड ओवर हम कहते हैं कि एक वर्कर है, वर्कर जो फैक्ट्री में रुक रहा है तो दो चीज़ें कर रहा है, एक वो वर्किंग कर रहा है और वर्किंग के दौरान में वो रेस्ट ले रहा है, या उसका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसे आप स्प्रेड ओवर कह रहे हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये आसान अल्फाज है, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 बजे जो आ रहे हैं ना, हमने कहा कि जो फैक्ट्री की टाइमिंग है वो 8 से 5 है, 8 से 5 में ये होगा कि ओवरऑल टाइम पीरियड कितना हो गया, ये 8 से 5 का ड्यूरेशन 9 घंटे। यस सर, 9 घंटे। अब ये है, दिस इज स्प्रेड ओवर, दिस इज नॉट अ वर्किंग आवर, क्योंकि इसमें इंटरवल फॉर रेस्ट जो आपने लंच के लिए और नमाज के लिए उसे दिया है आधे घंटे का, चाय के लिए आप दे रहे हो वो भी है, तो 9 घंटे तो है, लेकिन 9 घंटे उसके बन नहीं रहे, उसके बन रहे हैं 8 घंटे। ठीक है, वर्किंग आवर्स उसके 8 घंटे बन रहे हैं, स्प्रेड ओवर आपने किया हुआ है 9 घंटे, स्प्रेड ओवर आप 10 घंटे भी कर दो, लेकिन आप काम उससे कितना करा रहे हो, काम उससे आप 8 घंटे का करा रहे हो, 8 घंटे का करा रहे हो, तो फिर उसको आप उसे हफ्ते को ही बुला रहे हो 48 आवर्स पूरे करने के लिए। स्प्रेड ओवर आपका कितना हो सकता है, स्प्रेड ओवर आपका 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब अगर आप सुबह 8 बजे बुला रहे हो, 8 बजे से 10.5 घंटे कितने बजे तक बनेंगे? 10.5 घंटे, 8 से 12 4 घंटे हो जाएंगे, फिर 12 से 5 5 4 9 9 घंटे हो जाए, 9.5 घंटे हो जाएंगे ना, ये 6:30 अच्छा 6:30 बजे तक, स्प्रेड ओवर आप मैक्सिमम पे जा रहे हो 6:30 बजे तक होगा, 6:30 बजे तक उसे रोकने का कोई फायदा होगा? आपने ये सोचा है कि यार मैं उसे स्प्रेड ओवर, मेरे पास परमिशन कितनी है, मैं उसे 10.5 घंटे में रोक सकता हूँ ना, जब मैं 10.5 घंटे रोक सकता हूँ, रोको, मैक्सिमम काम लो उससे, लॉ मुझे कहता है। अभी 10.5 घंटे में से इसके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, 10.5 घंटे में से वर्किंग आवर्स इसके 9, दिन में आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, बाकी 1.5 घंटा क्या करोगे, 1.5 घंटा उसे बिठा के रखा हुआ है, जितनी है वो रुका हुआ है, फैक्ट्री ऑन है, यूटिलिटीज, लाइट, पानी, गैस, सब चीज़ें चल रही हैं, जिसमें वो 1.5 घंटे का आप ब्रेक भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तो इस वजह से जो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि यार 1 घंटे की आपने ये जो बिजली है और पानी है ये सब चीज़ आपने बचा ली, वरना लॉ तो कह रहे हैं आप रोक लो उसे। अब 10.5 घंटे रोकने में फिर लॉजिकली अभी क्या बन रहा है, लॉजिकली ये बन रहा है कि आप उसे 6 घंटे काम करो, 1 घंटे का ब्रेक दो, फिर 5 घंटे काम करा लिया, आधे घंटे का और ब्रेक दो, वही 1.5 घंटे का रेस्ट आ गया। तो स्मार्ट शेड्यूलिंग ये है कि आपके पास प्रोविजन है, कभी इमरजेंसी में संभाल कर लेना इसे, लेकिन आप खामखा क्यों बिठाएंगे, रिसोर्सेज को ज़ाया क्यों करना है? तो इस वजह से जाके वो जो 9 to 5 या 8 to 5 वाली टाइमिंग होती है, 9 घंटे होते हैं, लेकिन वो 9 घंटे
स्प्रेड ओवर है, दिस इज नॉट द वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स के लिए, वर्किंग आवर्स को जानने के लिए आपको इंटरवल फॉर रेस्ट माइनस करना पड़ेगा. ये बात हमें क्लियर हो एज अ सुपरवाइजर जो हम वर्कर्स को हैंडल करने, और वर्कर्स को भी क्लियर हो ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई इन दोनों के हवाले से. 58 और ये, मतलब नंबर तो दोनों सेम ही है, इंटरवल फॉर रेस्ट और स्प्रेड ओवर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हुई. कोई इसमें डिस्कशन है तो काइंडली. अच्छा, वुमेन के हवाले से वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन हमने देख ली थी. इसमें नोटिस ऑफ पीरियड फॉर वर्क, ये जनरल चीज़ें हैं. इसको, ये ऐसी चीज़ें जो कि आप सिंगल सिंगल, मतलब एक एक रीडिंग आप ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है. यहाँ पर एक्चुअली सारी बात की गई है कि अगर आप ग्रुप्स में काम करा रहे हैं, नाइट शिफ्ट में अगर नहीं है, ग्रुप्स में आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ इसको इन्फॉर्म कर दें. जनरली आप ग्रुप्स में काम करते हैं कि ये लोग, जैसे प्रोडक्शन वाले लोग हैं, ये इधर काम करेंगे, या आपने हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ को कह दें कि इसकी जिम्मेदारी इस फ्लोर की है, ये वाला इस फ्लोर पे काम करेगा. तो ये आप डेजिग्नेट कर दें चीज़ें. या हाउसकीपिंग के अलावा डिस्पैच वाले राइडर्स वगैरह होते हैं कि ये इस तरह की डाक इधर से उधर लेकर जाएंगे. या QCI होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनके एरिया आपने डिफाइन कर दिया कि ये सिर्फ इस बिल्डिंग में काम करेंगे, उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे. मतलब स्ट्राइल एरिया अलग, उधर कोई और जाएगा. और इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि ऊपर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में आपने ये रखा हुआ है कि कुछ डिपार्टमेंट्स को आप अलग अलग फैक्ट्रीज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. सिंगल रीडिंग है, इसमें ऐसी कोई बज़ाहिर मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसमें आपको एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत हो. फिर भी अगर हो तो क्वेश्चन कर लेंगे, इसे हम डिस्कस कर लेंगे. 62 में जनरली देख लिया कि रजिस्टर फॉर एडल्ट वर्कर है, जिसमें तमाम रजिस्टर, तमाम एडल्ट वर्कर्स की डिटेल मौजूद होंगी. ये जरूरी इसलिए होता है कि जब इंस्पेक्टर विजिट करता है, वो ये चेक करेगा कि आपके पास एडल्ट वर्कर कितने, कोई चाइल्ड तो काम नहीं करेगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड. एडोलेसेंट काम तो नहीं कर रहा. अगर एडोलेसेंट काम कर रहा है, वही 14 to 17, 18 ईयर्स की एज का एडोलेसेंट काम कर रहा है, तो सर वर्किंग आवर्स डिफरेंट है. इसी तरीके से वर्किंग आवर्स जो लिखे हुए हैं, आपने उसी पर ऑपरेट कराया, ओवर टाइम दे रहे हो या ओवर टाइम मारे जा रहे हैं आप, तो इस तमाम चीजों को एसर्टेन करने के लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि कौन कब काम कर रहा होगा. तो लेबर इंस्पेक्टर को ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी. ये सब नोटिसेस वगैरह की बात है, ये आसान चीज है, इसमें डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन की ऐसा जरूरत नहीं है. 66 मेरा ख्याल है वी हैव डिस्कस्ड. 7 बजे और 10 बजे अगर काम कराने फीमेल वर्कर से, तो आपको ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी. नाइट शिफ्ट भी डिस्कस कर लिया ना मेरे ख्याल हमने प्रीवियस सेशन में. यस सर. ठीक है, नाइट शिफ्ट डिस्कस कर लिया, ओवर टाइम हमने देख लिया एक्सप्लेनेशन के साथ. ये जो मैं बात कर रहा था कि ओवर टाइम के हवाले से मे बी किसी को भी ओवर टाइम के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वही वर्किंग ऐसी हो कि उस इस एक्ट के हवाले से वॉलेट ना कर रही हो. मतलब ये नहीं कि कुछ वर्कर्स एडल्ट, मतलब यहाँ से मतलब ये निकल रहा है कि एडोलेसेंट को या वुमेन को आप ओवर टाइम के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन एडल्ट वर्कर्स हैं. अच्छा, एडल्ट में मेल फीमेल दोनों आ रही हैं. चलिए इसको सिंपल करते हैं. एडल्ट वर्कर की बात लिखी है, मेल फीमेल दोनों, इसमें एडोलेसेंट नहीं है. इसका मतलब सीधे सीधे निकल रहा है कि एडोलेसेंट से आप ओवर टाइम नहीं कराएंगे, पहली चीज. दूसरा, एडल्ट वर्कर्स में से आप मेल फीमेल दोनों हैं, आप उनको ओवर टाइम का कह सकते हैं, मना करना या उसका वो फिर एक अलग बात है, लेकिन हर एडल्ट वर्कर ओवर टाइम कर सकता है. रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट. अब ये डबल एम्प्लॉयमेंट का सिलसिला ये देखिएगा कि डबल एम्प्लॉयमेंट का, इसको ज़रा से देख लें. अभी हमने शुरू में कहीं बात की थी ना कि उसको एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, तो फिर शाम में कहीं और जाके काम कर रहे हैं. अब यहाँ पर डबल एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, ये क्या सिलसिला है? इसे आप लोगों में से कोई एक अब ज़रा रीड करते, काफ़ी देर से ना किसी ने रीड नहीं किया है, तो कोई भी एक काइंडली से रीड कर दे हाईलाइटेड टेक्स्ट सेक्शन. ये फिर 70 डबल है, बहरहाल ये जो रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाईलाइटेड टेक्स्ट. कोई भी एक रीड कर दे. No adult worker shall be allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in another factory save in such circumstances as may be prescribed. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो एक जगह काम कर रहा है, उस दिन वो किसी और फैक्ट्री में काम नहीं करेगा. ठीक है, नो वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन व्हिच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर फैक्ट्री. मतलब ऐसा है कि उसने सुबह वो काम कर रहा है किसी एक
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, रात में वो काम करना चाह रहा है किसी गारमेंट फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में ताकि पैसे ज़्यादा कमाए, तो डबल एम्प्लॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या वजह हो सकती है? अब इसमें सीधे सीधे आपका ओपिनियन होगा, इसमें कोई वजह नहीं लिखी, बस ये मना कर दिया डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। क्या वजह हो सकती है जनरली? हेल्थ होगी वर्कर की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो इतने लंबा अरसा रुक के काम नहीं कर सकता। हाँ, एक सूरत में काम कर सकता है, इफ ही और शी इज ऑन सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, ये भी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट पढ़ेंगे ना, तो शायद उसमें इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। यस दे कैन, ठीक है, अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, अब क्या करें? जो लॉन्ग रूट के जो ड्राइवर्स होते हैं दे टेक ड्रग्स, ठीक है, अदरवाइज वो 30 घंटे ड्राइव नहीं कर सकते वरना, तो ये चीज़ें मना है। मतलब आप 9 घंटे आप काम करो, हेल्थ का पहले मसला आता है, हेल्थ के अलावा एक और चीज़ आती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आप एक फैक्ट्री में, दो फैक्ट्रीज में काम करो, इधर की उधर आप खबरें भी ले जा सकते हो। ये आमतौर पर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ना ले, फैक्ट्रीज में से जब भी पता चलता है कि ये दूसरी जगह काम कर रहे हैं, और फैक्ट्रीज में जो जो ओनर्स होते हैं ना, ये जितना जितना ऊपर जाते हैं, इन्वेस्टर बेस बहुत थिन होती है, कनेक्शंस होते हैं, मतलब कहीं पर भी डाउट आ जाता है कि यार ये यहाँ की चीज़ें जो इंटरनल मामला आते हैं ये उधर पहुँचा रहा है, तो ये कोई भी पसंद नहीं करता कि आप दो अलग अलग जगहों पर काम करो। बता दो, परमिशन मिल जाए, अच्छी बात है, कि हो सकता है इनका कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं हो। फार्मास्यूटिकल कंपनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई कनेक्शन आमतौर पर नहीं है, ओपन इन्वेस्टर एक बैठा हुआ एक अलग बात है, बता के कर लो तो वो चीज़ ठीक है, परमिशन लेके कर लो, लेकिन हेल्थ का क्या करोगे? जब कच्ची उम्र नहीं, थोड़ा सा आप होते हो ना 20 एज में, 25 से नीचे तो आप कुछ भी कर लो आपको पता भी नहीं चलता, 25 के बाद सारे पुर्जे वुर्जे ढीले होना शुरू होते हैं, वो पता नहीं चलता, 35 के बाद बिल्कुल बैठ जाते हैं, एकदम से 30 के बाद जब बाल सफेद होना शुरू होते हैं ना, ये मैंने अपने जूनियर्स को, अपने कुलीग्स को देखा है, दोस्त हुआ वर्किंग इन द मार्केटिंग सेल्स में, टेंशन ले लेकर, मतलब ठीक है, वो अभी ये एज के हवाले से जो टॉन्ट्स होते हैं ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, माशाल्लाह यंग लोग हो, एनर्जेटिक हो, गुड लुकिंग हो, 10 साल के बाद देखना ये क्या होता है। बहरहाल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, मे बी ये रीज़न हो, रीज़न इधर नहीं लिखा हुआ तो वी कांट कंक्लूड। कंट्रोल ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट, ठीक है, वो ओवरलैपिंग शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग शिफ्ट होती है तो उसमें फिर यही होगा कि एक वर्कर दो अलग अलग शिफ्ट में कैसे काम कर सकता है। अब इसमें हॉलीडे विथ पे की बात आ रही है, हॉलीडे विथ पे में हम जनरली इसको डिस्कस करते हैं, असल में इस ये डिस्कशन जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस है उसने भी किया है, और तकरीबन यही चीज़ें, तो इस इधर मैं इसको ब्रीफली लेके चलूँगा, बाकी उसकी वीडियो को देख लीजिएगा, या कोई और सवाल है तो सवाल के लिए उसे जवाब में हम लोग कर लेंगे। अभी तक हमने वीकली हॉलीडेज देखी हैं, वीकली हॉलीडे की बात हो रही थी कि संडे वीकली हॉलीडे होगी, वो पेड हॉलीडे, उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं, छुट्टियों के हवाले से क्या चीज़ें हैं? एक है एनुअल हॉलीडे, एनुअल हॉलीडे ये है कि अगर आपने किसी जगह पर किसी फैक्ट्री में 12 महीने से ज़्यादा काम कर लिया है तो आप परमानेंट एम्प्लॉय बन गए हो, ठीक है, यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ बस ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 12 महीने कंटिन्यूसली काम कर लिया है तो 12 महीने, और ये 12 महीने काम करने की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि 12 महीने में अगर कोई छुट्टी हुई है बीमारी की वजह से, कोई लॉकडाउन हो गया है, फैक्ट्री किसी वजह से बंद हो गई है, तो ये सारे पीरियड्स इस 12 महीने में काउंट होंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर थे। 12 महीने आपने काम किया है तो 12 महीने काम करने के बाद यू आर इंटाइटल्ड टू गेट एनुअल हॉलीडेज, पेड हॉलीडेज फॉर 14 डेज। 14 डेज कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, पीरियड ऑफ 14 कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डेज की छुट्टियां, ये कंसेक्यूटिव डेज है, ऐसे नहीं कि 14 डेज की छुट्टियां आपके पास हैं तो आप महीने में दो दो छुट्टियां कर रहे हो, नो, कंसेक्यूटिव डेज की छुट्टियां हैं, पेड हॉलीडेज हैं, छुट्टियां लें, इन्हें अवेल करें, आउट ऑफ टाउन जाना है जाएं, ये वर्कर्स की बात हो रही है, वैसे रिलैक्स कर ले, वर्कर आमतौर पर ये करते हैं कि भाई मैं छुट्टी नहीं ले रहा, मुझे इसके पैसे दे दो, ये आगे कहीं प्रोविजन है इसका कि अगर कोई छुट्टी लेना नहीं जा रहा और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलाउ करते हैं तो वो ठीक है, वो छुट्टी नहीं देते, पेमेंट ले लो, काम कर लो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री को कंसर्न है काम से, उन्हें काम मिलेगा, काम कर लेंगे, काम देना है उन्हें। राइट क्या है वर्कर का? राइट ये है कि 12 महीने के एम्प्लॉयमेंट के बाद 14 कंसेक्यूटिव डेज की छुट्टी मिलेगी, पेड हॉलीडे होंगी, वो उन्हें अवेल भी कर सकता है, अवेल ना करना चाहे नहीं कर सकता। अब अवेल नहीं कर रहा तो फिर इसमें फिर ये वाली चीज़ें, अवेल नहीं कर रहा तो क्या अगले साल उसकी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी? मतलब 2020 में उसकी 14 छुट्टियां थी, उसने अवेल नहीं की,
तो 21 के अकाउंट में, लीव अकाउंट में उसकी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी. यस, उसकी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, लेकिन एक वक्त में 14 से ज्यादा छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी. इसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से लें कि 2020 में 14 छुट्टियां उसे मिली, उसने अवेल नहीं की, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गई. 2021 में, 21 में अब उसके उसने छुट्टियां अगेन नहीं ली, अगेन नहीं ली. पहले उसके अकाउंट में कितनी, 14 छुट्टियां थी, 2021 की भी 14 छुट्टियां थी, वो उसने कैरी फॉर वो उसने अवेल नहीं की, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. अब 22 में गया, 22 में भी उसने छुट्टियां नहीं की, तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि सिर्फ 14 छुट्टियां ही वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. मतलब 23 की अपनी 14 छुट्टियां, पीछे की जो बची हुई 28 छुट्टी थी, 28 में से सिर्फ 14 छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड होगी. तो इसको दूसरे आसान अल्फाज में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एट अ टाइम एनुअल हॉलीडेज का जो अकाउंट है, 28 छुट्टियों से ज्यादा छुट्टियां एक वक्त में जमा नहीं रह सकती. जब छुट्टियां जमा नहीं रह सकती, हर साल की छुट्टियां जाया हो रही हैं, तो अब कंपनीज ये करती हैं कि या तो प्रोविजन देते हैं कि भाई ये 14 छुट्टियां हैं. अच्छा, लॉजिकली क्या बनता है कि यार जब 28 छुट्टियों से ज्यादा एट अ टाइम छुट्टियां रह नहीं सकती, तो मैं हर साल छुट्टियां अवेल कर लिया करूँ. लॉजिकली अब छुट्टियां वो अवेल करेगा, 14 दिन वो नहीं आएगा, 2 हफ्ते नहीं आ रहा, और अगर वो स्किल्ड वर्क करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फैक्ट्रीज को. तो कुछ फैक्ट्रीज ये प्रोविजन दे देती हैं कि ऐसा करो, छुट्टी नहीं लो, तुम इसके पैसे ले लो हमसे, इसी को बोनस समझ लो, कुछ भी समझ लो. तो कुछ लोग ये अवेल कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, इसका ओवर टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोविडेंट, ग्रेजुएटी, इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल अलग है. इसको आप लीव इनकैशमेंट का नाम दे दें. लीव इनकैशमेंट का अगर तस्करा सुना हो आपने, तो ये लीव इनकैशमेंट है. लीव है, आपने लीव अवेल नहीं की, उसे इनकैश करा लिया, तो ये प्रोविजन भी है. तो एक स्मार्ट मूव यही होनी चाहिए. जब आप एम्प्लॉय के तौर पर पढ़ोगे, वहां पर 30 का अकाउंट है, तो जब इससे ज्यादा छुट्टियां रह नहीं सकती, स्मार्ट मूव यही है, अवेल कर लो छुट्टियों को, मूव ऑन, थोड़ा घूम घाम के आ जाओ. या पैसे की जरूरत है, घूमना घामना नहीं चाह रहे हो, लीव इन कैश करा लो, पैसे ले लो, अगर प्रोविजन है. जहां पर लीव इन कैशमेंट के प्रोविजन नहीं है, तो क्यों छुट्टियां जाया कर रहे हैं आप? मूव ऑन, मूव करो, घूमो फिरो थोड़ा सा. ये अभी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला है. मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ जो ये कहता है कि जहाँ पर छुट्टियां हैं, छुट्टी को छुट्टी की तरह ही गुजारना चाहिए, वर्किंग आवर्स को वर्किंग आवर्स की तरह ही ले, ऑफिस का बर्डन घर पे लाने की कतन कोई जरूरत नहीं है. आपको अपने काम से लॉयल होना चाहिए, कंपनी से नहीं. अभी आप चाहें तो अभी थोड़ा सा ब्रेक, क्लास के बाद या दिन के एंड में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा. वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स के दौरान में आप एम्प्लॉयर के डिस्पोजल पर हो, और जो इंटरवल फॉर रेस्ट है उसमें आपको वो एक दिन का भी तोड़ने का नहीं कह सकता कि आप कोई काम करो. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें, इन्हें अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके आप खुद मेंटली भी स्टेबल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे. हेल्दी रहेंगे तो फिर आप अपनी और अपनी फैमिली की ज़्यादा बेहतर तौर पर सपोर्ट कर सकेंगे. सो दैट वॉज अबाउट द एनुअल हॉलीडेज. 14 छुट्टियाँ एंटाइटल हैं, 14 छुट्टियों से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सके, एट अ टाइम 28 अकाउंट में रहेंगी. ठीक है, ये इधर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि 12 महीने किस तरह कैलकुलेट होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं. अच्छा, एनुअल हॉलीडेज की पेमेंट की बात है, जो ऊपर मैंने डिस्कशन कर दिया है, वही डिस्कशन यहाँ पर, लीव इनकैशमेंट की भी यहाँ पर ही इसी तरीके का तस्करा हो रहा है. पेमेंट कब करनी है? पेमेंट ये करनी है कि अगर कोई एनुअल हॉलीडेज अवेल कर रहा है, तो हॉलीडेज पर जाने से पहले आधी तनख्वाह तो आप उसे आधी पेमेंट से दे दें, हाफ द टोटल पे ड्यू फॉर द पीरियड. आ वर्कर वर्कर हु हैज बीन अलाउड हॉलीडेज अंडर सेक्शन 73 वो एनुअल हॉलीडेज शैल बिफोर हिज हॉलीडेज बिगिन, उसकी छुट्टी शुरू होने से पहले. फॉर एग्जाम्पल 15 फरवरी से उसकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, 14 फेब को आप उसकी 15 फरवरी से लेकर जो 28 फरवरी तक उसकी छुट्टियां हैं, उसकी आधी पेमेंट आप अभी दे दें, आधी पेमेंट बाद में दे दीजिएगा, ये लॉ कह रहा है. पूरी पेमेंट देना चाह रहे हैं, मर्जी आपकी, अच्छी बात है, दे दें, लेकिन आधी कम से कम आपको पहले से देनी है. ठीक है, ये जनरली छुट्टियों के हवाले से था. एक और छुट्टी आती है, कैजुअल एंड सिक लीव. कैजुअल लीव्स होती हैं जो साल में कितनी मिलेंगी, 10 डेज की छुट्टियां मिलेंगी. ये छुट्टियां वो होती हैं कि जो इमरजेंसी है. एनुअल लीव आपको बता के करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप 14 डेज के लिए जा रहे हो, तो पीछे एम्प्लॉयर को कोई ना कोई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. आप विदाउट इन्फॉर्मेशन कि मैं कल से नहीं आ रहा और पेड लीव पे जा रहा हूँ, 14 डेज के बाद आऊंगा, नो, दिस इज नॉट परमिसेबल. आप कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे काम कर रहे होगे ना, अगर रिस्पॉन्सिबल पोजिशन नहीं है तो फिर ठीक है, क्यों हो वहाँ पे, कभी भी निकाल दिए जाएंगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा ये है कि छुट्टी पर जाने से पहले, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट्स हैं, कहीं पर 1 महीने पहले आपको बताना पड़ता है कि मैं
इतने इतने अरसे में इस तारीख से इस तारीख में अवेलेबल नहीं होगा, कहीं पे 15 दिन पहले बताना पड़ता है, कहीं पे 3 महीने पहले बताना पड़ता है कि मैं इतनी छुट्टी पे जा रहा हूँ, आप अरेंजमेंट कर लीजिए। वो एनुअल है। कैजुअल लीव्स का ये कि कैजुअल लीव्स आर एमरजेंसी लीव ना, कभी भी आप इंसान हैं ठीक है, बड़े सिटी में रहते हैं, कोई भी एमरजेंसी हो सकती है। उन एमरजेंसी सिचुएशन के हवाले से, बीमार हो गए खुदा ना खास्ता, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिली, लॉकडाउन हो गया, स्ट्राइक वगैरह का कोई सिलसिला हो गया, कुछ भी, जिस गाड़ी में आ रहे थे गाड़ी ख़राब हो गई, अब जो भी है, जो भी सिलसिला है, तो उसमें आप अचानक विदाउट प्लान, आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपने ऑफ कर लिया, इसमें कैजुअली में ऐसी 10 छुट्टियां आप कर सकते हैं और इन छुट्टियों के पैसे नहीं कटेंगे। इसी तरह सिक लीव है, बीमार पड़ गए आप, तो फिर आप 16 छुट्टियां सिक लीव के नाम पर अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिक लीव के फिर ऐसा है कि फिर फैक्ट्री टू फैक्ट्री वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि वाकई बीमार थे। अब वेरिफिकेशन हर फैक्ट्री की अलग अलग होती है, हो सकता है कि भाई हम बीमारी उस वक्त मानेंगे जब आप हॉस्पिटलाइज हो, वरना आप बीमारी नहीं हो, या हम बीमारी उस वक्त मानेंगे जब आप किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ, तब हम मानेंगे और आपको सिक लीव अलाउ करेंगे, क्योंकि सिक लीव छुट्टी है और पेड लीव्स हैं, 16 डेज हैं पेड लीव्स, ठीक है। और फिर मैटरनिटी के जो है बेनिफिट्स, मैटरनिटी के बेनिफिट्स का एक अलग ऑर्डिनेंस बना हुआ है, ये अभी चेंज हुए हैं, ये भी चेंज हुए, इसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लास्ट वीक भी मैंने रिकॉल करने कोशिश भूल गया, मैं इसे दोबारा देखना, तो काइंडली आप देख लीजिएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट्स। मेरे ख्याल शायद 90 डेज हैं, ये बढ़ाए हैं, 90 डेज थे पहले, ये शायद बढ़ा दिया है, विद पे आपको छुट्टी मिलेगी। अब कब शुरू करनी है छुट्टी, कब नहीं करनी है, भी आपके ऊपर है कि अर्ली ये लीव लेनी है या बाद में लीव लेनी है। फिर फेस्टिवल हॉलीडेज, फेस्टिवल हॉलीडेज का कोई काउंट नहीं है, फेस्टिवल हॉलीडेज का जब कोई काउंट नहीं है तो इसमें बस ये कर दे कि जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो फेस्टिवल हॉलीडेज, ये ईद बकरी की छुट्टियां होती हैं, तो इनके कोई पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यूशन चाहिए होती है, कंटिन्यूशन चाहिए होती है, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं दे वर्क ऑन ईद डेज एज वेल, ईद डेज पे आप काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे तो छोड़ देना, फ्राइडे सैटरडे संडे वो तो नॉर्मल है, ईद के दिन आप जा रहे हैं, ठीक है, आशूरा है, ठीक है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट पब्लिक हॉलीडे आप जा रहे हैं, 14 अगस्त से 23 मार्च से आप जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अब या तो आप उसको उसी कॉम्पेंसेटरी हॉलीडे दे दें, कॉम्पेंसेटरी हॉलीडे में हमने पढ़ा, या तो आप वो दे दें, या फिर आप कह रहे तो ओवर टाइम प्रोविजन है तो फिर ओवर टाइम कैलकुलेशन के तौर पर दे दें, लेकिन उसे कॉम्पेंसेट जरूर करना, ये नहीं करेंगे कि आप इसकी आप आ जाओ और आपकी छुट्टियाँ एडजस्ट हो जाएंगी, सॉरी कि आप फेस्टिवल हॉलीडेज पे काम करा रहे हैं उससे और उसकी जगह कोई कॉम्पनसेशन आ दें, या तो उसकी जगह आपको कोई छुट्टी देनी पड़ेगी या फिर आप ओवरटाइम देंगे। तो जनरली इसमें बस आप सिर्फ ये मुझे बता दें छुट्टियां टोटल साल में बंद कितनी रही हैं, 14 एनुअल लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स कितनी हैं, कैजुअल लीव्स कितनी हैं सर, कैजुअल लीव 10 है, 10 है, 14 प्लस 10 24 प्लस sick leaves ऐड कर दीजिए 16 है ना, 16 है, टोटल छुट्टियां कितनी बनी है वर्कर के लिए, 40 ठीक है, 40 बन रही हैं। अब जब वर्कर के लिए 40 छुट्टियां बन रही हैं तो स्मार्ट मूव क्या होनी चाहिए, ये 40 छुट्टियां हैं पेड लीव्स, दे आर पेड, तो स्मार्ट मूव तो होगी कि भाई अवेल करो एज अ एम्प्लॉयर या एज अ मैनेजर, आपका काम ये होगा कि आप उसे अवेल, ठीक है, एनुअल लीव नहीं कर सकते, सिक लीव पे कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, सिक लीव पे तो झूठ पकड़ा जा सकता है, कैजुअल लीव पे वो बहाना कर रहा है, बहाने को आप नोट डाउन कर लें, बहाने उसके रिपीट तो नहीं हो रहे, तो कैजुअल लीव ऐसी चीज है, इस पर बड़ी डिबेट होती है, कैजुअल लीव अगेन मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट में हूँ कि कैजुअल लीव आप उसे इमरजेंसी मकासद के लिए बचा के रखें लेकिन इसे ज़ाया नहीं करें बिकॉज दे आर नॉट कैरी फॉरवर्ड। और सिक लीव्स के बारे में भी यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है ना आपके पास, ये सिक लीव्स भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, सिक लीव्स आप झूठ बोल के इस्तेमाल ना करें, जनरली बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी की हालत में जाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी तनख्वाह दे के फारिग कर देगा,
जो आपने बीमारी में जाके काम किया है उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, आपको उसका कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी या आपकी फैमिली को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जरा से बीमार हो टेक अ रेस्ट, कंपनीज फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में बहुत हैं, ठीक है। अल्लाह ताला रिस्क का वादा किया है ना, तो थोड़ा सा यकीन अपना मजबूत रखें, बीमारी की हालत में जाने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी सी बात है। और ये जो अब आजकल की जो सिचुएशन है इसमें इस चीज़ को हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जरा से भी कोई इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड डोंट गो, स्टे एट होम, बी सेफ, कैजुअल लीव जरूर इस्तेमाल कर लिया करें। सिक लीव को तो मैं कह रहा हूँ सिक लीव जहाँ जरूरी है इस्तेमाल करें, झूठ बोल के इसे इस्तेमाल मत करें। कैजुअल लीव आप अवेल करें। अब चूंकि ये इमरजेंसी पर्पसेस के लिए तो कर सकते हैं, कर लें, नहीं होने तो बस एग्जाम देखें ज़ाया होंगी छुट्टियाँ। एनुअल लीव्स का मैं यही कहूँगा एनुअल लीव ज़रूर अवेल किया करें। इनफॉर्म लीव्स आप जनवरी में है, आप बता दें कि जून में आई विल नॉट बी अवेलेबल। अब अपनी फैमिली सिचुएशन को देखते हुए आप प्लान कीजिए, लेकिन अवेल ज़रूर कीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयर है ना उसे कभी भी ये पसंद नहीं होगा कि आप एनुअल लीव पे जाएं। वो कहेगा पैसे ले लो, बल्कि छुट्टी के कोई प्रोविजन ही नहीं है, नहीं दे रहे छुट्टी और पैसे भी नहीं दे रहे। कि तुम्हारे फिर दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि ठीक है तुम जाओगे लोग बहुत हैं हायर कर लेंगे हम, दूसरा तरीका जो होता है कि नहीं तुम्हारे बगैर काम रुक जाएगा, कौन करेगा कैसे करेगा, अल्टरनेटिव दे के जाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जहन में रखिएगा कंपनीज बहुत हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैं। एनुअल लीव को मैं यही सपोर्ट करता हूँ कि अवेल ज़रूर किया करें, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी हम कह तो देंगे कि आप 5 बजे के बाद ऑफिस का कुछ काम नहीं किया करो, लेकिन हम फार्मासिस्ट हैं, इंडस्ट्री में जाओगे ना, इंडस्ट्री में जाने के बाद अगर घर आ भी गए हो 3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद आप रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर पहुँचोगे, घर पर भी फ़ोन आ रहे होंगे अगर ओवर टाइम उधर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं हुई है। हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में वहाँ पर वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई नहीं, हाँ वो तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पर भी आप घर भी आ जाते हो, कॉल्स एमरजेंसी कॉल्स हैं उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे। रिटेल ड्रग स्टोर पे काम कर रहे हो, रिटेल ड्रग स्टोर पे आप ओनर हो, आप ओनर हो तो भाई और फार्मेसी के ओनर हो, 24 घंटे खुली हुई है तो 24 घंटे आप काम करिए। जब आप खुद ओनर हो तो ये कुछ एक्सक्यूज नहीं बनता है। एम्प्लॉय हो तो नो योर राइट्स, ठीक है। हम इसे यहीं पर रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई क्वेश्चन मैं ले नहीं सकूंगा, मीटिंग एंड हो रही है। थैंक्स फॉर अलाउइंग मी टू टेक दिस सेशन, नहीं तो मैं 11 बजे ख़त्म करता तो फिर ये चीज़ें पूरी नहीं कर सकता था, ठीक है। कोई सवाल हो तो काइंडली, कोई भी सवाल हो तो काइंडली टाइप कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा फिर उसे मैं देख लूंगा, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकूंगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ऑलराइट सर। ओके।